जीवन चक्र का ये द्वार सिर्फ कोई अच्छा और सच्चा बच्चा ही खोल सकता है। तो अब ये द्वार खोलने के लिए सच्चा और अच्छा बच्चा कहाँ से लाऊं? कौन है सच्चा और अच्छा? हाँ, मेहर। मेहर मैं बालवीर हूँ, सच्चे और अच्छे बच्चों का रक्षक। तो फिर पूरे स्कूल के सामने मेरा मजाक क्यों उड़ाया था? वो सब मैंने नहीं किया था, वो सब मेरे हमशक्ल बुरे बालवीर ने किया था, और मैं जल्दी उस बुरे बालवीर का अंत भी कर दूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत। बताओ मुझे क्या करना है? हमें बुरे बालवीर को खत्म करने के लिए जीवन चक्र तक जाना होगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ मैं चलूंगी। यही है वो जीवन चक्र जिसके रुकने से नकली बालवीर नष्ट हो जाएगा। मैं चलो अंदर चलते हैं। मैं यही है वो द्वार जहां से हमें अंदर जाना है। मैं जाओ वहां पे अपना हाथ रखो। चलो मैं अंदर चलते हैं। एवा चलो इधर मत खेलो, चलो उधर। चलो वो सबको दिखा लो। हाँ चल 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 चलो चलो बस ये देखिए आपकी फोटो। बस आप तो बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे हो। मैं तुझे गोरिल्ला जैसा दिख रहा हूँ? हाँ सॉरी 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 बस बस सॉरी सॉरी बस। लेकिन ये गोरिल्ला का पोस्टर यहाँ क्यों लगा है? गोरिल्ला को पकड़ेगा उसे 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। ये बहुत ही खतरनाक जानवर है, इसने बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अगर आपने उसे देखा है तो कृपया पुलिस को खबर करें। यह पहले भी कैद से कई बार भाग चुका है, इसे पकड़ना आसान नहीं है। पकड़ने वाले को या इसके बारे में खबर देने वाले को भारी इनाम मिलेगा। बस चलो मैं आपको आपके घर छोड़ाता हूँ। क्यों? मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे ना? 10,000 रुपए चाहिए? मैं देता हूँ ना। सॉरी बस सॉरी 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 बस सॉरी बस सॉरी। ए कौन है रे? छोड़ वरना तेरी बैंड बजा दूंगा। बस पहले आप देख लो कि कौन है। कौन है? बॉस आप इसे बोलो ना कि आप इसके भाई हो, मतलब भाई जैसे हो, शायद आपकी बात मान ले। हाँ ठीक है, मैं उसे उसकी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ।
ये समझ गया। हाँ मैं भी समझ गया। क्या? ये अभी तक सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन हो गया कि आप भी गोरिल्ला ही हो। प्लीज हमें जाने दो, जाने दो, प्लीज प्लीज हमें जाने दो, प्लीज प्लीज। रुको, मैं तुम्हें एक शर्त पे जाने दूंगा। क्या? तुम मुझे रोज पिज्जा और बर्गर खिलाओगे। ठीक है, रोज खिलाऊंगा, रोज का हर दो घंटे में खिलाऊंगा। प्लीज हमें जाने दो, प्लीज। पक्का मोंटू बॉस? हाँ पक्का। मोंटू बॉस, रोहित ये तू है ना? कैसे डर गए थे तुम लोग? क्यों बॉस? है ना एकदम गोरिल्ला जैसी सेम टू सेम ड्रेस। तुझे भी वो ही खिलाता हूँ जो केवल को खिलाया था। क्या खिलाया, क्या खिलाया? खाके देख, बहुत टेस्टी है। अरे बॉस प्लीज, बॉस मुझे भी खिलाओ ना। रोहित केवल तैयार हो जाओ, आज मानव के साथ कोई बढ़िया शैतानी करते हैं। बड़े ही अनोखी और अद्भुत घड़ी जैसी है ये जगह। शायद इसलिए उस बुरे बालवीर की जिंदगी इस जीवन चक्र से जुड़ी हुई है। नादान में मेरी नहीं, सारी परियों की सांसें इस जीवन चक्र से जुड़ी और इसे रोककर तुम मुझे समाप्त करने में मदद नहीं कर रही, बल्कि परियों का अंत करने में मेरी मदद कर रही है। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, मैं मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए परियों का अंत करने से पहले मैं तुम्हारा अंत कर देता हूँ। मानो को डराएंगे। इस गुड़िया के ड्रेस को फिर से पहन चल फटाफट। कैसे पहनूं बस? पूरी ड्रेस तो आपने खराब कर दी है। चुप। केवल इसे ये ड्रेस पहनने में मदद कर। और रोहित, ये ड्रेस पहनने के बाद तू मानो के पास जाकर। उसे ऐसे ही डराना जैसे मोंटू बॉस को डराया था, है ना बॉस? चुप। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, ज्यादा शान पट्टी मत करो, समझे ना? रोहित तू गुड़िया बनकर मानो को डराएगा और मैं उसका वीडियो निकालूंगा अपने मोबाइल में और ये वीडियो मैं नेट पे डालूंगा, समझा? मेहर, इतना मजा आएगा जब सब बच्चे मानो के ऊपर हंसेंगे। मेहर, बहुत उछलता था ना बालवीर के नाम पे, अब मानो गोरिल्ला को देखकर उछलेगा, समझे? जाओ। मुझे ड्रेस पहनने में और मास्क पहनने में मदद कर, चल जल्दी। अरे पकड़। एक काम कर, तू ड्रेस ठीक कर, मैं मास्क ठीक करता हूँ, जा जल्दी। हाँ
बोला ना मैंने नहीं मारा, फिर क्यों मार रहा है तू मुझे? मैंने नहीं मारा। तू नहीं मारा? अरे बोला ना नहीं मारा मैंने। तू नहीं मारा है? मैं नहीं मारा। तूने कुर्सी से टकराया यार। अरे तू, मैंने नहीं, तू नहीं टकराया। मैंने मारा, तू नहीं मारा। मैंने भी तो इस रास्ते को पार किया, लेकिन तब इन शेर की मूर्तियों के मुंह से आग नहीं निकली। लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, इसमें से आग की लपटें निकलने लगी। इसका मतलब है कि जीवन चक्र के अंदर भी कोई कार्य सिर्फ सच्चे और अच्छे बच्चों की ही मदद से किया जा सकता है। इसका मतलब मुझे अभी भी मेहर की जरूरत पड़ेगी, और आगे भी मुझे उसे फंसाकर अपनी ढाल बनाकर चलना पड़ेगा। बालवीर, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मेहर, मैं ठीक हूँ। लेकिन मेहर, यहाँ बहुत खतरा है, इसलिए चाहे जो भी हो तुम मेरे साथ रहो, ठीक है? हाँ। यहाँ चलो अंदर चलते हैं। जीवन चक्र तक जाना है। पर कैसे बालवीर? यहाँ से तो ऊपर जाने का ना कोई रास्ता है और ना कोई सीढ़ी है। ये मुझसे पूछ रही है, जबकि मुझे ही नहीं पता कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूं। बालवीर बताओ, अब हम ऊपर कैसे जाएंगे? मेहर, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, ढूंढते हैं। मदद से हमें उस जीवन चक्र तक जाना है। पहले मेहर को चढ़ने को कहता हूं। मेहर, तुम चढ़ो ये सीढ़ी। बालवीर, तुम भी चढ़ो। मेहर, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूं, क्योंकि यहां बहुत खतरा है ना। हाँ चलो। ये रोहित अभी तक नहीं आया। अगर मानव ऐसे चला गया तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा।
तू आएगा और मैं डर जाऊंगा। इधर आ, इधर आ। मैंने तुझे मानव को डराने भेजा था और तू मुझे ही डराने आ गया। हाँ, मुझे डराएगा। रोहित तेरी इतनी हिम्मत, मेरा कॉलर। हाँ, रोहित, मैंने तुझे इसलिए पिज़्ज़ा बर्गर खिला के इतना बड़ा किया, पाला पोसा कि तू मेरी कॉलर पकड़े। हाँ? गया, रोहित तू गया। गोरिल्ला का कॉस्ट्यूम ले, मैं गोरिल्ला बनूंगा। मैं ही मानो को जाके दे देता हूँ ये कॉस्ट्यूम। अरे दे दे रोहित, दे दे रोहित, रोहित दे 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 दे। ये बॉस भी ना कोई चाहिए इनको पीटने के लिए। देखना, कोई नहीं मिला तो गोरिल्ला को पीट रहे। रोहित के बोल, रुको, रोहित को लेकर आओ, रोहित को मारने के लिए। रोहित रोहित की पिटाई कैसे करेगा? रोहित यहाँ है तो ये असली गोरिल्ला तो नहीं है। शायद से ये गोरिल्ला है। सॉरी गोरिल्ला जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आपको मेरा नादान दोस्त समझा था गोरिल्ला जी। कैसे पहुंच पाता मैं तुम्हारे बगैर में इस जीवन चक्र? बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि मैंने तुम्हें फंसाकर तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई का इस्तेमाल मेरी बुराई की जीतने के लिए किया।